डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सपा छात्र सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष अंशु व उसके भाई से जमकर मारपीट व गाड़ी में तोड़फोड़। दरअसल मेरठ के थाना इंचोली क्षेत्र के गांव नगला शेखू में कार को साइड न मिलने पर विवाद हुआ, जिसमें छात्र नेता व उसके भाई से खूब मारपीट की गई। दोनों ने किसी तरह घटना स्थल से भागकर अपनी जान बचाई। अंशु ने बताया कि रविवार रात 10 बजे वह अपने भाई अजीत मलिक के साथ स्विफ्ट गाड़ी में मेरठ से गाँव नगला शेखू लौट रहा था। घर से थोड़ी दूरी के रास्ते पर कुछ लोग बीच रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा कर तेज वॉल्यूम से गाने चला रहे थे। अंशु ने हॉर्न बजाकर ट्रैक्टर साइड करने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया। उसके बाद वे कार से उतरा और फिर से ट्रैक्टर साइड करने को कहा, लेकिन इस बार लड़के भड़क गए और गाली गलौज व मारपीट पर उतर आए। पहले अंशु को पीटा, फिर उसके भाई अजीत को, दोनों पर जानलेवा हमला किया गया। दोनों वहीं पर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। जब गाड़ी वहीं खड़ी रह गई तो आरोपियों ने उसमें भी तोड़फोड़ कर दी। फिलहाल दोनों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस भी मामले की तफ्तीश में लगी है। अंशु ने बताया कि मारपीट करने वाले लोग सैनी बिरादरी के हैं, जिनमें प्रदीप सैनी, रविंद्र सैनी, अरविंद सैनी, रवि सैनी, पवन सैनी, अंकित सैनी, जितेंद्र व कुलदीप सैनी शामिल हैं, जबकि पीड़ित पक्ष जाट है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीम। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।